गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स के आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। उनको पता है कि व्याकरण यानी ग्रामर, तो इसमें हम सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण ये जानते हैं, लेकिन उसमें और एक ग्रामर व्याकरण भाग है जिसे हम अब तक नहीं जानते हैं। तो उस ग्रामर का नाम, उस व्याकरण का नाम है संधि। संधि, टुडे आई विल टीच अबाउट संधि। ओके, फर्स्ट विश्रामालय। ओके, विश्रामालय सर, आई थॉट मैंने बताया कि संधि के बारे में बताऊंगी, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है, विश्रामालय। तो इससे हम विश्राम प्लस आलय, हमने यहां पर दो शब्दों में इसे विभाजित किया है, विच्छेद किया है, इसे विच्छेद भी कहते हैं। तो यहां पर मैंने मिलाकर लिखा है यानी जोड़कर लिखा है विश्रामालय, इसी को मैंने अलग किया है विश्रामालय। सर जैसे इसे हम जैसे शब्दों को अलग करते हैं ना, उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जब इसे मिलाकर लिखते हैं इसे हम संधि कहते हैं। तो संधि का मतलब है जो अलग हुए शब्दों को हम मिलाकर लिखते हैं उसे संधि कहते हैं। ओके, अब इसकी परिभाषा देखेंगे। तो संधि की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है, संधि का अर्थ है जोड़ या मिलाना, जोड़ या मिलाना। मैंने बताया ना विश्रामालय, विश्राम विश्राम प्लस आलय, इसे विश्रामालय मैंने लिखा, तो उसी को मिलाना, दो शब्दों को मिलाना। तो संधि का अर्थ है जोड़ या मिलाना। जब हम उससे मिलाते हैं, उसे मीन्स दो अलग शब्दों को मिलाते हैं उनमें और उनके ध्वनियों में परिवर्तन, उनके ध्वनियों में परिवर्तन आता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो उदाहरण के लिए अनाथालय, देवालय, रवींद्र, ये हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने यहां पर इसे जोड़ा है ना कि अलग किया है, तो उसी को क्या कहते हैं, संधि। क्या कहते हैं, संधि। अब विच्छेद के बारे में जानेंगे। विच्छेद मीन्स अलग करना, डिवाइड करना। विच्छेद मीन्स शब्द को अलग करना, शब्द को अलग करना, उसे विच्छेद कहते हैं।
तन के लिए रामालय। इसे अलग करना है। अब कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं? राम प्लस आलय, राम प्लस आलय। मैंने यहां पर इसे अलग किया है, शब्द अलग करना मीन्स रामालय, राम प्लस आलय। नेक्स्ट भानुदय, भानुदय, भानु प्लस उदय। मैंने यहां पर से डिवाइड किया है, अलग कर दिया है, सो वही कहलाता है विच्छेद। अब संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या है? जो अलग किए हुए शब्दों को जोड़ने से जब उन ध्वनियों में परिवर्तन आता है, जब उसे हम प्रोनाउंस करते समय परिवर्तन आता है, जब उसे संधि विच्छेद कहते हैं। के मैं अब संधि का परिभाषा लिख दिया, विच्छेद की परिभाषा लिख दिया, और संधि विच्छेद अब परिभाषा देखेंगे। के संधि विच्छेद, तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है दो स्वरों या व्यंजनों को, दो स्वरों या व्यंजनों को मिलाकर लिखने से ध्वनियों में आने वाले परिवर्तन, आने वाले परिवर्तन। तो यह है संधि विच्छेद की परिभाषा। ओके, अब संधि के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन। संधि के तीन भेद हैं। क्या है वह? ये स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ओके, तो संधि के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ओके, सो हमने संधि के बारे में जाना, विच्छेद के बारे में जाना है, और संधि विच्छेद की परिभाषा, और संधि के तीन भेद। ठीक है, अब स्वर संधि के बारे में अब बताओगी। ओके, हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि, स्वर हमको पता ही है, वर्णमाला में स्वर क्या है पता है ना? कितने हैं? 13। ओके,
तो आ से आहत है, उस स्वर में दो स्वरों के मेल से, सरसंधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन ही स्वरसंधि कहलाता है। परिवर्तन ही स्वरसंधि कहलाता है। सो यह स्वरसंधि के पांच भेद हैं। स्वरसंधि के कितने भेद हैं? पांच। स्वरसंधि के भेद कितने हैं? पांच। ओके, अब वह पांच क्या है देखेंगे। पहला है दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा यण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, अब पांचवा अयादि संधि, अयादि संधि। सो संधि के कितने भेद हैं? पांच प्रकार भेद के। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा क्या है? अयाधि संधि। तो यह है स्वर के प्रकार या भेद। ओके, नाउ दीर्घ संधि के बारे में जान। दीर्घ संधि, तो यहां पर ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ यानी अ, इ, उ, आये तो आए तो परिवर्तन में ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ अ, इ, उ, में आ, ई, ऊ दीर्घ आ जाती हैं। अब हम यहां पर दीर्घ संधि के लिए एक उदाहरण देखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा मतानुसार, मतानुसार लिखा है मैंने। सो इसे अब हमें संधि विच्छेद करना है। कैसे? मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार। तो मैंने क्या कहा है यहां पर? आ, ई, उ लिखने से जब दीर्घ परिवर्तन आता है, जब यह ह्रस्व दीर्घ अ, ई, उ में बदलते हैं, मैंने इसे कहा। अब यहां पर देखेंगे आ, ई, उ में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो यहां पर
आसन रहता है। आओ अनुसर, अनुसर में पहला अक्षर क्या है? आ। पहला अक्षर अंत में आ स्वर है और दूसरे शब्द में पहला अक्षर क्या है? आ। तो इन दोनों को मिलाने से आ यानी दीर्घ, यानी आप बताए ना दीर्घ आ जाएगा, तो अ प्लस अ आएगा। जैसे कि यहाँ पर आ की मात्रा आई है मतानुसार, ठीक है। तो यह है आ प्लस आ। ऐसे ही हम मैंने लिखा आ प्लस आ से आ, आ प्लस आ रहने पर भी आ, आ प्लस आ लिखने पर भी आ आएगा। जैसे कि देवालय, दे प्लस आलय। तो यहां पर अ प्लस अ क्या होगा, यह अ हो जाएगा। ओके यह है दीर्घ संधि। ओके आओ ओके आ प्लस आ आ आएगा। इसके लिए एग्जांपल वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप क्या होगा? वार्तालाप क्या होता है? वार्तालाप। तो यहां पर क्या है, कौन सी मात्रा, कौन सा स्वर है? और वार्ता अंतिम साउंड क्या आता है? आ। और यहां पर स्टार्टिंग लेटर क्या है? आ स्वर है। तो इन दोनों को मिलाने से क्या आ गया? आ। जैसे कि यहां पर वार्तालाप। ओके अब ना केवल यही, ई से मैंने बताया ई उ रहते हैं, जब वह ई उ में बदलते हैं उसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके और हम ई के लिए देखेंगे ई, ई प्लस ई, ई इसके लिए उदाहरण कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। सो यहां पर कवि, कवि ई, ई शब्द ई का साउंड आता है और यहां पर इंद्र, कवि प्लस इंद्र। सो इसे मिलाकर लिखने से क्या होगा? यह कवींद्र क्या होता है? कवींद्र। देखिए यहाँ पर ई का साउंड आया है, समझ में आया? ई प्लस ई, ई। तो यहाँ पर कवि में ई का साउंड, ई में इंद्र में ई का साउंड। तो यहाँ पर उसे जोड़ कर लिखने से यानी मिला कर लिखने से ई कवींद्र। ओके नेक्स्ट ई प्लस ई, तो इसे भी ई आ जाता है। उदाहरण के लिए प्रति प्लस इच्छा, ओके यहां पर ई प्लस ई क्या होगा? प्रतीक्षा। क्या आता है यहाँ पर? प्रतीक्षा, ई का साउंड आया है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट ई प्लस ई, यहाँ पर क्या होगा? ई आएगा। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ये तो लिख दिया हमने, ई प्लस
ई, ई के लिए उदाहरण है मही ईश, क्या होगा मही ई प्लस ई, ई प्लस ई क्या होता है यहां पर ई, तो इसे लिखने से महेश महेश, तो यहां पर ई का सर आ गया। ओके ये ई के बन ई प्लस ई ई आता है, ई प्लस ई ई, ई प्लस ई ई महेश। अब ऊ का देखना है हम, आप ओ ओ प्लस ओ ऊ, इसके लिए उदाहरण भानुदय के, कैसे लिख सकते हैं भानु प्लस उदय, तो यहां पर भानु नु उ का ध्वनि प्लस उ आ गए यहां पर, तो इसे मिलाने से यहां पर उ भानुदय भानुदय आगे ना। ओके उ प्लस उ भानुदय, भानु प्लस उदय, भानु उ में उ का साथ उदय, दोनों को उ प्लस उ लाने से उ। अब उ प्लस उ उ, इसके लिए उदाहरण लघु प्लस ऊर्जा, लघु लघु उ की मात उ का ध्वनि और ऊ सब, तो इसे मिलाकर लिखने से यानी इसके जोड़ करने से लघु ऊर्जा, क्या आता है लघु ऊर्जा, उ का शब्द आया है यहाँ पर। ये उ प्लस उ लघु प्लस ऊर्जा लघु ऊर्जा। ओके नेक्स्ट अब उ प्लस उ क्या होगा उ, सो इसके लिए एग्जांपल भू प्लस ऊर्जा, यहां पर भू उ प्लस उ, यहां पर लिखने से भूर्जा होगा भूर्जा, तो यहां पर उ का शब्द आया है भूर्जा। तो दीर्घ संधि में आ प्लस ई ई, सॉरी ई प्लस ई ई, ई प्लस ई ई, ई प्लस ई ई, ओ प्लस उ ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ आता है, मैंने बताया ना रस दीर्घ आ ई होने पर परिवर्तन में आ ई उ आता है, यही क्या कहलाता है संधि, क्या कहलाता है संधि, दीर्घ संधि। ओके इस कक्षा में जो जाना है आप रिवीजन करेंगे, किसके बारे में बताया मैंने संधि के बारे में, संधि का मतलब क्या है जोड़, विच्छेद का मतलब अलग करना, संधि के कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं तीन, क्या क्या है वह स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, क्या है स्वर संधि, स्वरों का मेल, स्वरों का मिलाप, स्वरों को मिलाकर लिखने से उसमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं, मैंने पता है। सो स्वर संधि के फिर से कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं पांच, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है आयादि संधि। ओके दीर्घ
संधि के बारे में मैंने बताया। दीर्घ संधि का मतलब क्या है, परिभाषा क्या है? ह्रस्व दीर्घ संधि क्या है? ह्रस्व या दीर्घ यानी अ ई उ आदि हैं। यहां पर इसमें जो परिवर्तन होता है यह अ ई उ ह्रस्व हो या दीर्घ, यह फिर से लिखने से इसमें परिवर्तन आता है। कैसे परिवर्तन आता है? दीर्घ हो जाती हैं यह अ ई उ, क्या हो जाती हैं? दीर्घ अ ई उ हो जाती हैं। सो यह कहलाता है दीर्घ संधि। ठीक है, आज कुछ एग्जांपल्स के साथ वर्कशीट दूंगी, उसमें तुम्हें लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों के बारे में यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। ओके, से पहले स्वर में और भी कुछ भेद है ना? आज तो हमने सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में ही जान ली है। मैंने ये चार है ना, कौन कौन से? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाज संधि। इन चारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके बारे में हम नेक्स्ट कक्षा में जानेंगे।